एक्टिंग फील्ड से मैंने जितना कमा रही थी, मैं कहूंगी कंटेंट क्रिएशन से मैं ज्यादा कमा रही हूँ और स्टेबल इनकम है यहाँ पर, जो मेरी वहां नहीं थी। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए बात करते हैं मेरे कंटेंट क्रिएशन के, मैं कंटेंट क्रिएशन में ग्रो कर पाई और इतना कमा पाई। आज मैं 10 अकाउंट्स हैंडल करती हूँ। थोड़ा बता देती हूँ कि कहाँ कैसा कैसे चल रहा है। तो इंस्टाग्राम पे मेरे करीब 1,84,000 फॉलोअर्स हैं। मेरे मेन यूट्यूब चैनल पे 53,000 समथिंग है, ऑलमोस्ट 54,000 है। मेरे मौज अकाउंट पे कम से कम 62,000 है और मेरे फेसबुक पेज पे 27,000 है, फेसबुक प्रोफाइल पे 17,000 है और बाकी जो अकाउंट्स हैं वो बहुत ही अभी बेसिक लेवल पे हैं, उन पर अभी मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, जैसे कि ट्विटर हैं या स्नैपचैट और जोश वगैरह उस पर भी हैं। तो ये आप चैनल देखकर मुझे ये मत समझना कि ये तो अभी 70 के करीब इसके सब्सक्राइबर्स हैं, ये क्या बता रही है कंटेंट क्रिएशन के बारे में। कंटेंट क्रिएशन को मैं 3.5 साल से कर रही हूँ, बताया आपको, जनवरी 2020 से कर रही हूँ, लगातार कर रही हूँ। एक्टिंग फील्ड से मैंने जितना कमा रही थी, मैं कहूँगी कंटेंट क्रिएशन से मैं ज़्यादा कमा रही हूँ और स्टेबल इनकम है यहाँ पर, जो मेरी वहाँ नहीं थी। इतना इसने मुझे स्टेबल करा है, लाइक फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, इसने मेरी लाइफ में इतना हैप्पीनेस क्वोशेंट ऐड किया है, इतनी इंडिपेंडेंसी दी है मुझे। क्योंकि पहले मैं एक्टिंग के लिए क्या दूसरों पे डिपेंडेंट रहती थी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, क्रिएटिव, चैनल, ये सारे लोग डिसाइड करेंगे कि अंजलि राणा को इस सीरियल में कास्ट करना है या नहीं, ठीक है। तो इन सब पर मैं डिपेंडेंट रहती थी, इनके डिसीजंस पे डिपेंडेंट रहती थी। आज मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं पूरी तरह से एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, पोस्ट कर देती हूँ। तो क्या है, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, कोई और डिसीजन मेकर नहीं है, मैं अपनी खुद की डिसीजन मेकर हूँ। बहुत सारे ऐप्स पे मैं ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर रह चुकी हूँ। बीगो लाइफ था, उसने मुझे हायर किया था, मौज है, उसने मुझे हायर किया था। तो ये बहुत सारे ऐप्स हैं जिन्होंने मुझे हायर किया हुआ था। तो और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिनसे मैं इनडायरेक्टली वे में कनेक्टेड हूँ, कोई सैलरी नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उनसे एक इनकम होती रहती है। बहुत कुछ है कंटेंट क्रिएशन से जो आप कर सकते हो अपनी लाइफ में एस्टेब्लिश। एक्टिंग मेरी 14 साल मैंने एक्टिंग मेन प्रोफेशन रखा, मेन क्या ओनली प्रोफेशन रखा, लेकिन कंटेंट क्रिएशन मेरी लाइफ में आया तो कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम मेरा प्रोफेशन हो गया और एक्टिंग अब एक पार्ट टाइम जॉब की तरह है। मेरा मन होता है तो मैं उस रोल को हाँ करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कोई प्रोजेक्ट तो ही मैं करती हूँ। तो लाइक पर्सेज आर माइन, बॉल इज इन माई कोर्ट, तो मैं हाँ करूंगी तो ही कुछ होगा, वरना ऐसा कुछ नहीं है, अब किसी पे डिपेंड करती हूँ। तो ये चीज आपको ना एक डिसीजन लेने में ना बहुत हेल्प करती है, आपको फ्री डिसीजन ले सकते हो। तो पहले क्या होता था, मैं कोई भी रोल ले लेती थी, मुझे अच्छा लगे ना लगे, मुझे वो प्रोजेक्ट अच्छा लगे ना लगे, वो बजट जो मुझे दे रहे हैं वो अच्छा लगे ना लगे, लोकेशन अच्छी लगे ना लगे। बहुत सारी लोकेशंस जो आपको इतनी परेशान करती हैं, लाइक आउट ऑफ मुंबई जाके आपको गुजरात में बैठ के शूट करना है, आपको यहाँ शूट करना है, आपको वहां शूट करना है, थोड़े दिन का चलता है लेकिन पूरे पूरे साल आप शूट कर रहे हो, 6-6 महीने, 3-3 महीने, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं एक्स वाई जेड जो पहले मैं अवॉइड ही नहीं कर पाती थी, मैं हाँ कर देती थी, पर अब मैं हर एक चीज को अच्छे से देखती हूँ, वॉच करती हूँ। हाँ, मोस्टली चीजें अगर मेरे अकॉर्डिंग होती हैं तो ही मैं वो प्रोजेक्ट पे हाँ करती हूँ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। दिस इज फॉर माई फील्ड। तो मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।